नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में। आज के अंक में हम बात करेंगे उपभोक्ता की, उनके संरक्षण की और उनके जागरूकता की। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट, एक्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जयप्रकाश नारायण सर जी। आपका बहुत बहुत सिंह बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता की अगर बात करते हैं तो उपभोक्ता क्या है, कौन है, किस परिस्थिति में हम उपभोक्ता जो शब्द है उनको समर्पित करते हैं। उपभोक्ता उसको कहा जाएगा जो यूज करता है किसी ट्रेड प्रोडक्ट को। वो इंडिविजुअली यूज कर सकता है, ग्रुप में यूज कर सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई आर्टिकल परचेज करता है, मशीन परचेज करता है, फूड प्रोडक्ट, ड्रग्स, कोई भी आइटम जो इंडस्ट्री से होलसेल होते हुए रिटेल से जिसको बेचा जाता है जी, वो जो खरीदार है जी, वो खुद उस आइटम का व्यापार नहीं करेगा लेकिन उसका उपयोग करेगा जी, तो वो उपभोक्ता हो गया। ग्रुप में हो सकता है, जैसे कोई संगठन है वो कोई आइटम अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या ग्रुप के वेलफेयर और उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए जी, अर्निंग के लिए कोई सामान खरीदता है तो वो उपभोक्ता के, जो सामान का उपभोग करता है जी, जी, वो उपभोक्ता के कैटेगरी में आता है जी, जो सामान का व्यापार करता है जी, वो उपभोक्ता के कैटेगरी में नहीं आता जी। अगर सर संरक्षण की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें आप। देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया जी, लेजिस्लेशन का काम पार्लियामेंट करती है। तो वेलफेयर स्टेट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में सिटीजन के वेलफेयर में कानून बनाना जी, ये दायित्व है पार्लियामेंट का जी। कोई भी देश आज़ाद हुआ तो इसमें औद्योगिक क्रांति का प्रयास किया गया जी, तो उस प्रयास के क्रम में ये देखना पार्लियामेंट को था कि उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो जी, इस फ्यूरियस ड्रग्स, तो ड्रग्स कॉस्मेटिक्स एक्ट आ गया। इसी तरीके से कई कानून बने, 1954 से ये बनना शुरू हुआ जी। 1986 में ये आया कि जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स है जिसका लोग ट्रेड कर रहे हैं जी, और जन साधारण उसको कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, तो इसकी सुरक्षा के लिए ही कंज्यूमर्स एक्ट बना जी, और वो 1986 में यह कानून लाया गया। 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना जी, वो थ्री टायर सिस्टम में आया, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट लेवल पर स्टेट फोरम और एक सेंट्रल फोरम ऑफ कंज्यूमर्स बनाया जी, गया जी। तो उस एक्ट के तहत उस समय पेनाल्टी में या कॉम्प्रोमाइज में फाइन की बात थी जी, और एक सेटलमेंट का प्रोसेस चल रहा था जिसमें कि डिफेक्टिव एडल्ट्रेटेड, अभी एडल्ट्रेशन उसमें नहीं आया लेकिन जो डिफेक्टिव था, अनफेयर ट्रेड जो हो रहा था उसमें मॉनेटरी लॉस नहीं हो कंज्यूमर्स को जी, ऐसा प्रावधान बनाया गया जी। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उस समय था 20 लाख तक,
20 लाख से 1 करोड़ तक था स्टेट फॉरम को जी, और 1 करोड़ से ऊपर नेशनल फॉरम में था जी। इस व्यवस्था को देखते हुए पाया गया कि ये इसमें पनिशमेंट लैकिंग था। 2019 में एक फ्रेश एक्ट पार्लियामेंट ने लाया और वो 1986 के उस एक्ट को रिपील कर दिया गया जी। अब जो इसमें प्रोविजन लाया गया, इस प्रोविजन में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोर्ट था जी, उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग का दर्जा दिया गया जी, और डिफॉल्टर को फाइन सेंटेंस जी, उनको 1 महीने की सजा भी दी जा सकती थी, उनको फाइन भी किया जा सकता था, और दोनों का प्रावधान इसमें लाया गया जी कि सेंटेंस भी करो, नहीं मानता है तो फाइन सेंटेंस दोनों करो जी। और इसी तरीके से अब इन्हांस कर दिया गया इनके जुरिस्डिक्शन को और डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ तक के केसेस को अब हैंडल करेगा। 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का जी स्टेट फोरम देखेगा, और 10 करोड़ से ऊपर का जो मामला होगा जी वो नेशनल कमिटी देखेगी जी। सर, आपने बताया एक्ट लागू किया गया, अधिनियम बना, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, अगर पहले जब एक्ट लागू करने की बात चली थी कि क्या आवश्यकता पड़ी कि ऐसे एक्ट ऐसे अधिनियम को लागू करना पड़ा। जब देश आज़ाद हुआ जी, तो उस समय अंग्रेजों का IPC आज भी चल रहा जी, तो इंडियन पेनल कोड में एक प्रोविजन है 418 जी, 418 दफा, इस दफा के तहत एक प्रोविजन बनाया गया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी विक्रेता को जी, विक्रेता को क्रेता के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की लायबिलिटी दी गई थी जी। तो उसमें 2 साल तक की सजा थी, फाइन था, लेकिन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता था जी कंज्यूमर को, जो लॉस सह रहे थे जिसको लॉस होता था। ठीक है, अभियुक्त उस सजा के डर से कॉम्प्रोमाइज कर ले जी, ऑफेंस कंपाउंड रूल बनाया गया था, तो देखा गया कि हर किसी को न्यायालय में पहुंचने में जी काफ़ी कठिनाई है, और वहाँ नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहा है, ट्रेड भी मल्टी डायमेंशनल चलता जा रहा है, जीवन के हर पहलू के लिए कुछ उत्पाद सामने आते जा रहे हैं जी, तो मल्टीफेरियस होने के कारण ये महसूस किया गया पार्लियामेंट में हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व है जी, तो वो समाज के उस समस्याओं को देखते हुए जी उन्होंने जो प्रस्ताव लाया, तो कंज्यूमर फॉरम एक्ट जी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो प्रावधान लाए गए कि वो सारे व्यवसाय जी जो सीधे सीधे प्रभावित करता था क्रेता को जी, चाहे वो दूध हो, सब्जी हो, फल हो, आज तो मार्ट के माध्यम से बिक रहा है जी, तो दवाइयां हैं, मशीनरी हैं, एक जैसे एग्जांपल दें कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, और वो मिल्क पाउडर बनाने का इंडस्ट्री लगाता है, अब क्रेता हो गया, कंज्यूमर हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जी वो ग्रुप ऑफ पर्सन है जी, और एक सोसाइटी रजिस्टर्ड
सोसाइटी पर्सन हो गया, लीगल पर्सन हो गया, तो वो उसका व्यापार नहीं कर रहा है मशीन का जी। उसने मशीन परचेज किया अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जी। अगर वो डिफेक्टिव दे दिया जी, तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो इन्हीं सब एस्पेक्ट को देखते हुए पार्लियामेंट ने इस कानून की आवश्यकता महसूस की जी। 86 से 2019 तक ये महसूस किया गया कि एक कहावत है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, तो इसमें गरल नहीं था जी। वो प्रावधान 2019 में सजा का भी प्रोविजन इसमें किया गया, और सजा और फाइन दोनों का जी, ताकि इस कानून को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके और लोग जनसाधारण उपभोक्ता को का शोषण नहीं कर सकें, उनके साथ वादा खिलाफी नहीं हो, जो कहें वो गुड्स आए। इस तरीके से जी इस उपभोक्ता कानून के संरक्षण का ये प्रावधान बनाया गया जी। सर, अगर समस्या की बात करें तो उपभोक्ता की मुख्य अगर समस्याएं क्या क्या हैं जो उनका सामना करना पड़ता है, जो उपभोक्ता है उनको? देखिए, उपभोक्ता में जैसे एक एग्जांपल है कि बच्चे के लिए पिता कोई स्कीम खरीदता है जी, तो कंज्यूमर हो गया बच्चा और उसके गार्जियन हो गए कस्टमर जी, ठीक है जी। आज जो ऑनलाइन का बिजनेस चलने लगा है जी, कोई स्टडी मटेरियल सेल कर रहा है, कोई फूड मटेरियल सेल कर रहा है जी, कोई इंडस्ट्रियल मटेरियल सेल कर रहा है, इन सब को बांधने के लिए कि उसमें धोखा नहीं हो जी, कंज्यूमर को इस प्रावधान की आवश्यकता थी जी। और इसमें सिंप्लीफाई किया गया है कि कैसे आप उसको आप कानून के दायरे में ला सकते हैं जी। तो सरकार ने जो ये प्रावधान बनाया कि भाई अभी जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में है कि 5 लाख तक के क्लेम के लिए आपको कोई कोर्ट फी नहीं लगेगा जी, ठीक है। आप 5 लाख के बाद जो बढ़ेगा तो वो 1 करोड़ तक 2000 का प्रोविजन बना हुआ है कोर्ट फी का। तो ये जो कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट लिटिल अमाउंट है, हमारे यहाँ तबका कंज्यूमर का तो क्लास बटा हुआ है जी। तो उस क्लास में जो लोअर क्लास है, जो एडवोकेट को हायर नहीं कर सकता, लिटिल अमाउंट है, तो उसके लिए प्लेन पेपर पर भी, सादे कागज पर भी अपना दावा लिखे जी, अभियोग लगाए, दावा लिखे, उसको क्या क्षतिपूर्ति चाहिए, और जो कंज्यूमर के रूप में उसने परचेज किया जी, तो पैसा लेन देन का कैश मेमो का प्रमाण उसमें लगाना पड़ेगा जी, जी। तो इससे दो बातें होंगी, पहला तो वो टैक्स की चोरी नहीं करेगा जी, ब्लैक मनी नहीं बनेगा, और आपके पास प्रमाण रहेगा कि आप ऑनलाइन करेंगे तो जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन जो हो रहा है जी, कैशलेस ट्रांजैक्शन भी एक प्रूफ है कि आपने उसके अकाउंट में अपने अकाउंट से ऐसे डाला जी, और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लगा दीजिए क्लेम में और फाइल कर दीजिए जी। हायर अमाउंट होगा, जो अगर करोड़ों तक जाएगा तो ऐसे लोग कानून का सहारा ले सकते हैं, एडवोकेट को हायर कर सकते हैं जी। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में वकीलों का कोई रोल नहीं है जी,
मैंडेटरी नहीं है, आप अपने हेल्प के लिए किसी को हायर कर लीजिए और बात है। इन सरकार ने वकील का वकालतनामा और उनका अपीयरेंस का मैंडेटरी नहीं बनाया है। जी सर, आपने सही बताया। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अगर कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, अगर वो शिकायत करना चाहते हैं तो खुद ही एप्लीकेशन लिखकर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनमें उनको जो एडवोकेट है उनकी आवश्यकता नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस बात से अनभिज्ञ हैं। आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। सर, अगला सवाल मेरा ये होगा कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जो, बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो अधिकार, शायद उनको उनके अधिकार के बारे में नहीं पता है, बहुत जागरूक नहीं है, तो उन उपभोक्ताओं को जागरूक कैसे किया जाए, उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सिग्नेचर करना जानता है उसको हमने साक्षर मान लिया है जी, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, मेरा ये कहना है। तो उनको एडुकेट करने का एक तरीका है कि अभी जो नई पीढ़ी आ रही है जी, वो हर घर से आ रही है, तो उनको क्यों नहीं इसके लिए एडुकेट किया जाता है जी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। और वो लोग ये ऑनलाइन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम से के बारे में वो लोग ज़्यादा जानते हैं जी, हमसे ज़्यादा मेरे बच्चे जानते हैं, वो यूज़ टू हैं जी। तो मेरा कहना है कि ब्लॉक लेवल पर भी, जैसे किसान हैं तो सहयोग समितियां जितनी हैं उन लोगों को भी एडुकेट किया जाना चाहिए और उनको भी जवाबदेही दी जानी चाहिए जी, कि वो अपने किसानों को एडुकेट करें कि वो खाद खरीदते हैं वो नकली मिल जाए जी, जो बीज खरीदते हैं उसका जर्मिनेशन नहीं हो। तो सब ऑनलाइन और बाज़ाब्ता प्रूफ मैनर में रिसिप्ट के साथ खरीदें जी, ताकि अगर वो उनके उनको हानि होती है जी, तो उनका भी राइट वहाँ बनता है जी, वो कंज्यूमर फोरम में आए तो उनको एडुकेट करने के लिए आपको किसानों को भी एडुकेट करना है जी, आपको शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में दोनों को एडुकेट करना है जी, दोनों के बच्चे स्कूल में आ रहे हैं जी, ब्लॉक में जाते हैं, स्कूल में आते हैं, कॉलेज में आते हैं जी, तो कुछ होर्डिंग के माध्यम से जागो उपभोक्ता, जागो के स्लोगन से काम नहीं चलने का है जी, उनको बताना पड़ेगा कि आप किसान भी उपभोक्ता हो, आप मजदूर भी उपभोक्ता हो, दूध खरीदने वाला भी उपभोक्ता है, बीज खरीदने वाला भी उपभोक्ता है, मशीन खरीदने वाला भी उपभोक्ता है, वॉशिंग मशीन खरीदने वाला भी उपभोक्ता है, मैन्युफैक्चरर नहीं है जी, डीलर नहीं है, रिटेलर नहीं है, लेकिन जो जो लोग इस सब का प्रयोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जी, वो सारे लोग उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं और उनके लिए सरकार ने ये प्रावधान बनाया है, यहाँ अदालत बैठा है आपको संरक्षित करने के लिए जी, सुरक्षित करने के लिए, आपको हर्जाना दिलवाने के लिए। ये जानकारी देना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, चाहे वो होर्डिंग के माध्यम से करें। अभी जैसे पारा लीगल सिस्टम एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने डेवलप किया है जी, जिसमें कि हर ब्लॉक में वकील और पारा लीगल वॉलेंटियर का एक पैनल है, तो ये लोग ब्लॉक में भी जाते हैं तो उनको ये जवाबदेही दी जाए लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा कि ये लीगल अवेयरनेस में कंज्यूमर एक्ट का भी अवेयरनेस उनको दें जी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिहार हर ब्लॉक में एडवोकेट और उनके एडवोकेट क्लर्क के रूप में पारा लीगल वॉलेंटियर का डिप्लॉयमेंट किया है, वहाँ पैनल उपलब्ध है जी।
तो इनके माध्यम से भी अवेयरनेस का काम किया जा सकता है जी। इसलिए कि हर काम के लिए उनको पेमेंट मिलता है, तो वो भी ये काम करें जी। और जब वो ब्लॉक में है तो किसान तो सबसे ज़्यादा है बिहार में, यहाँ एग्रीकल्चर ही एक इंडस्ट्री है। तो मेरे किसानों का जो नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाइयों से जो उत्पीड़न हो रहा है जी, जी। उसका कल्याण हो जाएगा जी। सर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, अपने बिल रिसिप्ट की बात की, कई ऐसे उपभोक्ता हैं जो ख़रीदारी करने जाते हैं तो बिल नहीं लेते हैं, नहीं खरीदते या कच्चा रसीद खरीदते हैं, तो उन उपभोक्ताओं को आप कुछ कहना चाहें, उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें तो ज़रूर दें। अब उनको मेरा एक ही संदेश है कि आप सुसाइड करना चाहते हैं, आप अपना पॉकेट कटवा देना चाहते हैं जी, आप धोखेबाज को इनवाइट कर रहे हैं रिसिप्ट न लेकर के जी, तो आप अपनी भी हानि कर रहे हैं और देश की भी हानि हो रही है। अरे भाई आप रसीद कटवाइएगा, आपको तो पैसा वो ले ही रहा है जी। और ऐसा नहीं है, आप जब रसीद कटाएंगे तो उस टैक्स को फिर आप ही के वेलफेयर में रिटर्न होना है जी। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो ना समझी है। आज से भी सुधर जाइए जी, कि कुछ भी खरीदिए तो रसीद जरूर लीजिए। सर एक और बात, अगर लोग जो उपभोक्ता हैं वो शिकायत दर्ज करना चाहें तो कैसे और कहाँ, कई लोग हैं जो कंज्यूमर फोरम के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा प्रकाश, क्योंकि बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं अगर एटीएम में विड्रॉल नहीं हुआ, अगर वो जो ट्रांजैक्शन है वो हो गया, कई बार उस परिस्थिति में घबरा जाते हैं, और भी कई चीज़ें, तो उस परिस्थिति में उनको कब, कहाँ, किस तरह से संयम बरत के कहाँ उनको जाना चाहिए, किस तरह से अपील करनी चाहिए, प्रक्रिया के बारे में थोड़ा? बिल्कुल वाजिब है, यहाँ न्यायालय बदल जाता है जी। पहले बिस्कोमान भवन में ये कंज्यूमर का डिस्ट्रिक्ट फोरम कोर्ट था जी, अभी दरोगा राय पथ में चला गया। तो ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बताया जाना चाहिए कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट फोरम का न्यायालय यहाँ है जी। होर्डिंग के माध्यम से भी बताइए जी। आप सब जगह का होर्डिंग लगा रहे हैं, तो जिला उपभोक्ता फोरम कहाँ है ये प्रकाशित किया जाना चाहिए जी। और अगर एक न्यायालय यहाँ से वहाँ कहीं बदलता है उसका प्लेस, तब तो उसको और अच्छे तरीके से प्रचारित करके बताया जाना चाहिए जी, कि ये फोरम यहाँ से वहाँ चला गया है जी। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम बेस्ट है, साधारण लोगों को डिस्ट्रिक्ट फोरम से ही काम है जी। और डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जाने के लिए, आपको तो कहा जा रहा है कि कोई फॉर्मेट में जाने की आवश्यकता नहीं, अपनी शिकायत को आप अपने शब्दों में लिख डालिए जी, और जो शिकायत का आधार है वो रसीद, जो बुनियादी चीज़ है जी। तो आप समझिए कि अगर आपको कंपनी धोखा देगी जी, आप रसीद न लेंगे जी, तो आप कैसे उसके शिकायत करके हर्जाना लेंगे जी। इसलिए अब रसीद का क्या महत्व है ये भी समझने की बात है जी। सर अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। मेरा तो संदेश होगा कि सरकार जो भी सिस्टम बनाती है वो जनसाधारण के समस्याओं को देख करके प्रावधान बनाती है जी। कैशलेस का आया है तो वो अपने आप में रसीद है भाई, 2 रुपया घटा करके बगैर रसीद के कहता है ले जाइए, इसका मतलब आप समझिए कि धोखा दे रहा है। तो जो धोखा दे रहा है धोखे में नहीं आना है, रसीद लेकर प्रमाण अपने पास रखना है, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए सामान में तो आप उसका दावा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को उनके अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाई आपने, उपभोक्ता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम। हम भी समाज के अंग हैं और मेरा दायित्व तो बनता है कि हम जो जानते हैं समाज को बताएँ,
ताकि वो लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के अंक में हमने बात की उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता की। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। देखते रहिए डीडी बिहार। मैं आपके साथ विकास कुमार मिश्र। नमस्कार।